रिचा। हाँ आई। मेरा टिफिन कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वो मैं आज मैं तुम्हारा टिफिन तैयार नहीं कर पाई, तुम कैंटीन से कुछ खा लेना ना। क्या यार, दो दिन से यही हो रहा है। तुम जानती हो ना कि मुझसे बाहर का खाना नहीं खाया जाता। शिवम तुम दो दिन से ऑफिस जल्दी जा रहे हो, सारा रूटीन चेंज हो गया है। पहले तुम पीहिका को स्कूल छोड़ देते थे, अब मुझे छोड़ना पड़ता है। तो इसमें मेरी गलती है क्या? सुबह जल्दी नहीं उठ सकती? तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ? तुम जानना चाहती हो मैं क्या क्या करती हूँ? तुम्हारे जागने से पहले मम्मी की आरती की थाली, पापा की चाय, तुम्हारे ऑफिस के कपड़े, पीहिका को स्कूल के लिए तैयार करना और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना। अगर तुम्हारे लिए एक दो दिन टिफिन नहीं बना सकी तो क्या आफत आ गई? बहू क्या हो गया तुम्हें? अगर तुमसे हमारे काम नहीं होते ना तो मत किया करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सुबह सुबह हंगामा करके क्या बताना चाह रही हो? ये सब करके एहसान करती हो हम पर? माँ जी मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं है, पर अब सुबह सुबह मत शुरू हो जाइए। शुरू मत हो जाइए मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम? अरे भाई चुप हो जाओ तुम सब, अब कोई नहीं बोलेगा। और शिवम तुम अपने ऑफिस जाओ और शाम को जल्दी वापस आ जाना, मुझे तुम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं होगी। और बहू तुम आज शाम का खाना नहीं बनाना, आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। मैंने डिनर का ऑर्डर कर दिया है, जब तक डिनर आ रहा है तब तक हम एक खेल खेलेंगे। अब ये क्या नया शगुफा है तुम्हारा? थोड़ा सब्र रखो भगवान, अगर आपकी इजाजत हो तो खेल शुरू करें। तुम बिना, अच्छा बताओ क्या करना है? इस बॉल में हम सबके नाम की पांच पांच चीट हैं, एक मिनट में हर आदमी को अपनी अपनी चीट निकालनी है। शुरू करें? पीका लगाओ टाइमर। एक मिनट में सब अपने अपने नाम की पर्ची कैसे निकाल सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा निकालनी तो पड़ेगी, वरना ये खेल हम कैसे जीतेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है पापा, इस तरह तो ये खेल कभी खत्म होगा ही नहीं। बेटा खेल तो खत्म करना ही पड़ेगा, वरना हार जीत का फैसला कैसे होगा? आप भी ना पता नहीं कौन कौन से खेल खेलने बैठ जाते हो। ये खेल जरूरी है क्या? कोई और खेल खेल लेते हैं। बहुत जरूरी है भगवान, खेल तो यही खेलना पड़ेगा। हाँ अगर तुम लोग चाहो तो इस टास्क में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। जैसे? इस बार हम सब एक दूसरे की चीट निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा लगाओ टाइमर। लो बहू तुम्हारे नाम की चीट। लो दादी आपकी चीट। पापा आपकी नाम की चीट मेरे पास है। रिचा। पीका। रिचा। शिवम। मामा आपकी चीट। शिवम। पीका। मा। पापा। शिवम। मामा। मुझे तो मेरी पांचों चीट मिल गई। देखो मिल गई ना सबको अपने अपने नाम की चीट, हम लोग जीत गए ना। मुझे पता था मेरा परिवार इस खेल में कभी हार ही नहीं सकता। जीवन का खेल भी तो कुछ ऐसा ही है जिसे खेलना ही पड़ता है। हंस के खेलो, रो के खेलो या फिर लड़ झगड़ कर, जिंदगी की सारी कठिनाइयों को दूर करने का तरीका भी बस यही है। अब आप लोग खुद तय कर लें कि जीवन के इस खेल में रोज अकेले हारना है या मिलजुल कर जीतना। मैं उम्मीद करता हूं कल से हम सब मिलकर जिंदगी के इस खेल में एक दूसरे का साथ देंगे। वैसे खाना आने में अभी टाइम है, तब तक एक एक कप चाय हो जाए। कौन बनाएगा चाय? आप बैठिए पापा, कल से नहीं आज से हम एक दूसरे का साथ देंगे। आज चाय मैं बना कर लाता हूँ।